अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निकोन बायनोकुलर के हवाले से, जो कि एक जापनीज़ दूरबीन है। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसका जो इमेज क्वालिटी है वो जान लेंगे और इसकी फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसकी अगर हम लोग पावर की बात करें तो इसकी जो पावर है वो 7x है, यानी 7 टाइम ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास नज़दीक आएगा। और दोस्तों इसकी ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी बात की जाए, इसकी जो साइज़ है वो 35mm है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। यानी 7 इसकी पावर है, 35mm ये जो शीशे है इसकी साइज़ है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग फील्ड ऑफ व्यू की बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू जो है इसकी 8.6 है। फील्ड ऑफ व्यू मीन्स दोस्तों ये जो गोल दायरा है इसमें आप लोगों को जितना एरिया नज़र आ रहा है इसको फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है बहुत अच्छी है, 8.6 है, यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इसकी फील्ड ऑफ व्यू है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें कि इसमें कौन से प्रिज्म यूज़ किए हुए हैं, तो दोस्तों इसकी जो प्रिज्म है वो बैक 4 है। ये जो प्रिज्म इसमें यूज़ हुआ है बैक 4 प्रिज्म इसमें यूज़ किया गया है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग कोटिंग की बात करें तो ये कोटेड है, इसके जो शीशे है ये भी कोटेड है, ये आप लोग देख सकते हैं, ब्लू कोटेड, यानी इसको कोटेड कहा जाता है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग इमेज क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो फुल HD है, फुल साफ इमेज क्वालिटी है, ठीक है दोस्तों इसकी। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो ये मीडियम साइज़ है, और ये बहुत बड़ा दूरबीन नहीं है, मीडियम साइज़ दूरबीन है। और दोस्तों इसकी मॉडल की बात की जाए तो ये पोरोप्रिज्म है, ये पोरोप्रिज्म मॉडल के दूरबीनों में आता है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग मेड इन की बात करें तो ये मेड इन जापान है, निकोन जो है वो जापनीज़ ब्रांड है। तो इसके जो दूरबीने हैं वो और भी कंट्रीज़ जो है ना इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो ये जो है मेड इन जापान है और ये ओरिजिनल जापानी दूरबीन है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है निकोन जापान, और ये भी मतलब ये 100% ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी अभी एक जूम टेस्ट वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर आप लोग हम लोगों से रबीता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, और मैं भी बताता हूँ वो है 0333-78-86-510। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग रबीता कर सकते हैं। और हमारे पास जो है ऑल ओवर पाकिस्तान जिधर भी आप लोगों को चाहिए COD सर्विस अवेलेबल है, हम लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाते हैं, इसकी एक जूम टेस्ट वीडियो बनाते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो सामने वाला वाइट कलर का बिल्डिंग है इसको देख लेंगे। ये यहाँ से तकरीबन 600 मीटर के फासले पर होगा, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसकी इमेज क्वालिटी, इसकी फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत बड़ी है, पूरा स्क्रीन जो है ना कवर कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद ये जो सामने वाला पहाड़ है इसको देख लेंगे, ये इसकी इमेज क्वालिटी है दोस्तों आप लोगों के सामने। ये ओरिजिनल दूरबीन है, ठीक है दोस्तों, ये जापान की है, ओरिजिनल दूरबीन है। और ये जो है ना महंगे दूरबीन हैं, सस्ते वाले नहीं है। ये 3 किलोमीटर के फासले पर था। और दोस्तों इसके बाद ये जो बड़ा पहाड़ है इसको देख लेंगे, आज मौसम भी साफ़ है दोस्तों, मौसम जो है 100% साफ है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 किलोमीटर के फासले पर है।
और दोस्तों इसके बाद ये ज़ियारत वाला पहाड़ है, इसको देख लेंगे। ये जो ज़ियारत वाला पहाड़ है ये यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों इसके बाद इस तरफ ये जो पहाड़ है जिसमें दरख्ते हैं जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, ये भी है, इसमें भी ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो है ना काले काले जो नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ के जो अपने दरख्त होते हैं ये वो है। ये 7 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं कम से कम जो फासला होता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग है जिसको अभी मैंने फोकस किया हुआ है, ये यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। मैं आज थोड़ा नज़दीक आया हूँ इसके, तो ये 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है दोस्तों। इसकी इमेज क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, फुल HD इमेज क्वालिटी ये आप लोगों को देगा। और दोस्तों इसके बाद ये जो डैम है इसको भी देख लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसकी इमेज क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, ये एक एरोप्लेन जा रहा है, इसको भी फोकस करने की कोशिश करते हैं, अगर इसमें आ गया। ये आ गया दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और दोस्तों इस तरफ एक गुंबद है, इसको भी देख लेंगे। फुल साफ है दोस्तों इसकी इमेज क्वालिटी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबाए, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।